क्षेत्र से प्रभावित लोग गांव बंद कर अपने हक की आवाज उठाने के लिए आज हजारों की तादाद में बड़वानी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि नर्मदा नदी के ऊपर बन रहे सरदार सरोवर बांध से हजारों लोग प्रभावित हुए थे, जो आज नर्मदा नदी बचाओ की नेत्री मेघा पाटकर के साथ पहुंचकर बड़वानी में विरोध करेंगे। मामला धार बड़वानी जिले के डूब प्रभावितों का है। नर्मदा नदी के ऊपर बन रहे सरदार सरोवर बांध से विस्थापित लोग जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आज सारे काम बंद कर बड़वानी पहुंचे, जहां नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर के साथ हजारों समाज सेवी भी पहुंचेंगे। 35 साल लड़ाई लड़ने के बाद भी आज तक पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। आज भी कई परिवार मूल गाँव में ही निवास रहते हैं, जिनको सरकार आज दिनांक तक नहीं बसा पाई, जिसको लेकर हजारों की संख्या में आज डूब प्रभावित अपने सारे काम बंद कर बड़वानी पहुंचेंगे, जहां गुजरात के द्वारा 138 मीटर पानी भरने का विरोध करेंगे। ये है कि 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था और उसके अनुसार पुनर्वास स्थलों पर भी 31 जुलाई का सुविधा है वो उपलब्ध हो जाना थी, और साथ ही लोगों की जो पुनर्वास के हक और अधिकार है, जमीन के बदले जमीन अपने जो फर्जी में फंसा है उनको 15 लाख और पुनर्वास स्तर पर मूलभूत सुविधाओं की बात की, जो 31 जुलाई तक कम्प्लीट होकर के लोगों को शिक्षित करने की बात की। लेकिन 2017 के बाद 2018 और 2019 31 जुलाई हो चुकी है और आज भी पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाएँ नहीं और पुनर्वास के हक लोगों के बाकी है। इसीलिए आज हम 31 जुलाई को यहाँ इकट्ठा हुए, केंद्र सरकार जो बार बार बांध में 139 लीटर पानी भरने की बात कर रही है, तो हमारा कहना ये है कि जब तक लोगों का पूरा पुनर्वास नहीं हो जाता है तब तक बांध में पानी नहीं भर सकते हैं और पुनर्वास का लाभ दिए बगैर किसी को डुबा नहीं सकते। ये पुनर्वास नीति और ट्रिब्यूनल अवार्ड में भी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी है, तो इसीलिए आज हम अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए इकट्ठे हो ताकि सबकी सुनवाई हुई है और लोगों का पुनर्वास नहीं हुआ, इसलिए आप बांध में पानी भी नहीं भर सकते और हटा भी नहीं सकते। इसलिए आज गाँव गाँव के लोग हजारों की संख्या में आ गए।